कौन कहता है जिद्दी होना अच्छी बात नहीं, अगर जिद खुद के सपने को साकार करने की है, जिद अपने साथ साथ सोसाइटी में भी कुछ बदलाव लाने की है। अगर आपका दिल भी जिद्दी है तो आप भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बस जिद्दी बने रहिए। ये बातें सुनने में जितनी फिल्मी लगती हैं, उतनी ही फिल्मी आज की केस स्टडी है, और ये रियल लाइफ केस स्टडी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, वो भी फैशन के जलवे के साथ। जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, आज बात होने वाली है फैशन की दुनिया की एक ऐसी एंटरप्रेन्योर की, जिसने ना सिर्फ खुद को सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि शी वर्क्ड विद विमेन एंड फॉर विमेन एज वेल। हेलो एवरीवन, बात होगी बिजनेस की और फैशन की, क्योंकि हम हैं इंडियन डिजाइन लीग और हाई परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसर की स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। With business case studies that teaches you laws and principles of business to help aspiring entrepreneurs and experts to understand how they can become high performance influencers and build a successful and sustainable business, grow their income and have more freedom. No one said entrepreneurship is easy, but it's time to be honest about how challenging it really is. And the price so many entrepreneurs pay to reach the level they are at today. हमारी सोसाइटी में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को हीरो का स्टेटस दिया जाता है। We literally idealize Mark Zuckerberg and Elon Musk, and we celebrate the blazingly fast growth of Inc. 500 companies. लेकिन हमारी सोसाइटी में कई ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स हैं that have been looked down in their entire journey. इससे पहले कि वो कुछ बड़ा करके दिखाते, they struggled through moment of near debilitating anxiety and despair, where it seemed everything might crumble. Entrepreneurship में पहला step लेने से पहले society का pressure, लोग क्या कहेंगे वाला fear हर किसी के जहन में आता है। पर अगर आपको society की tension नहीं, फिर भी family आपको वो pressure जरूर देती है। आज की story के hero के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, but she broke the glass ceiling and today she is conquering the fashion world. Baat ho rahi hai one of the most celebrated fashion designers in the world, Anita Dongre ki. Hum jab bhi kisi celebrity ki lifestyle ko dekhte hain to hamare dil mein kai sawal aate hain. Hum sochte hain ki inhe garibi ka koi andaaza hi nahi hoga. Lekin aisa nahi hai. भारतीय फैशन वर्ल्ड में मशहूर नामों में से एक नाम है अनीता डोंगरे का। इनकी लाइफस्टाइल और शोहरत देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं कि इन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, अनीता ने बहुत ही मेहनत से आज खुद को इस मुकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने पैसे की कमी, समाज का ताना और दुनिया भर की दिक्कतों का सामना करते हुए खुद को शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पैसे की तंगी से जूझने वाली अनीता डोंगरे आज तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की मालकिन बन चुकी हैं। अनीता डोंगरे का नाम आज मशहूर डिजाइनरों में लिया जाता है। इनका जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। अनीता उस परिवार में जन्मी थी जहां महिलाओं का काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। वो जब छुट्टियों के समय अपने दादा दादी के घर जाती थी तब उन्हें महसूस होता था कि महिलाओं को आजादी कई मुश्किलों का सामना करने के बाद मिलती है। उन्हें तभी एहसास हुआ कि उन्हें अगर अपने दम पर कुछ करना है तो उन्हें इन डे टू डे सोसाइटल एंड फैमिली प्रेशर फेस करके आगे बढ़ना होगा। हालांकि अनीता के पापा की पोस्टिंग मुंबई में हुई थी, इसीलिए उन्हें थोड़ा अलग माहौल मिला था। जब अनीता डोंगरे ने पढ़ाई पूरी करके इंटर्नशिप की शुरुआत की तो उनका पूरा खानदान चौंक गया। बहुत से लोगों ने इस बात पर काफी आपत्ति जताई कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए। हालांकि उनके माता पिता ने उनका पूरा साथ दिया। डिजाइनिंग में अपनी रुचि के बारे में बात करते हुए अनीता ने काफी दिलचस्प बात बताई। अनीता ने कहा कि वो जब जयपुर जाती थी तो वहाँ महिलाओं को खूबसूरत और रंगीन कपड़े पहने देखती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अनीता का फैशन डिजाइनिंग इंटरेस्ट भी उन्हें उनके परिवार से मिला। उनकी माँ 3 बच्चों के लिए कपड़े सिला करती थी, इसके चलते ही उन्हें भी डिजाइनिंग का शौक जगा।
उन्होंने 15 साल की उम्र में ही तय कर लिया था कि वो फैशन की पढ़ाई करेंगी और इसी में अपना करियर बनाएंगी। ऐसा नहीं है कि अनीता को स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि अनीता के पास बजट की किल्लत थी तो उन्होंने किराए की जगह लेकर अपनी बहन के साथ मिलकर काम शुरू किया था। अनीता के पास शुरू में दो ही सिलाई मशीन हुआ करती थी। उन्हें सारे खर्चे मैनेज करने पड़ते थे, जो कि इतना भी आसान नहीं था। उन्हें बार बार जगह भी बदलनी पड़ती थी, कभी किराया बढ़ जाता था तो कभी वो समय पर किराया नहीं दे पाती थी। एक बार तो मकान मालिक ने किराया ना होने के कारण उन्हें घर से निकाल दिया था। हालांकि अनीता ने इन सभी मुश्किलों को किसी तरह पार किया। वो अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाती थी। अनीता उस टाइम पर काम करने वाली महिलाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन बनाती थी, लेकिन उनके डिजाइन रिजेक्ट कर दिए जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ट्रेंड के मुताबिक नहीं होते थे। अनीता ने बहुत समय तक रिजेक्शन झेला, लेकिन फिर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने तय किया कि वो खुद का ही ब्रांड एस्टैब्लिश करेंगी। उनका सपना सच हुआ और आज उनकी कंपनी एंड डिजाइन्स इंडिया लिमिटेड में कई अलग अलग सब कंपनीज काम करती हैं। अनीता डोंगरे ने अपने फैशन डिजाइनिंग के करियर की शुरुआत जल्दी ही कर दी थी। 12 साल तक अनीता मुंबई के हाई स्ट्रीट शॉप्स जैसे लिंकन रोड में इंडियन वेयर सप्लाई करती थी। उन्हें लगा उन्होंने अब मार्केट स्टडी कर लिया है, पहचान भी बना ली है। It's time to start her own label. But she was rejected. कौन खरीदेगा ये मैडम? इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है। 1990s वो टाइम था जब इंडियन वेयर में हैवी एम्ब्रॉयडरी का चलन था। बुटीक्स अच्छा बिजनेस कर रहे थे, but they were not what young urban women were really wearing. अनीता ने अपनी रिसर्च शुरू की। She traveled abroad extensively and saw changing trends. उनके दोस्तों ने भी उन्हें इनकरेज किया टू डिजाइन क्लोथ्स दैट दे वुड बी एबल टू वेयर देमसेल्व्स। पैसों की किल्लत तो थी ही, लेकिन इस रिजेक्शन ने अनीता के अंदर के फैशन डिजाइनर को एक बार फिर जगा दिया। अनीता एक अच्छी बिजनेस वुमन तो थी, नाउ इट वॉज टाइम फॉर हर टू टर्न इनटू एन एंटरप्रेन्योर। नॉट ओनली डिड डोंगरे डिसाइड टू परसीव विद हर ओन लाइन ऑफ क्लोथ्स, शी डिसाइडेड टू रिटेल देम हरसेल्फ। अनीता डोंगरे डिजाइन्स एंड वॉज स्टार्टेड इन 1999 विद अ 300 स्क्वायर फीट शॉप इन मुंबई फर्स्ट मॉल क्रॉस रोड्स। लेकिन क्रॉस रोड में भी अनीता के स्टोर खुलने की दिलचस्प कहानी है। अनीता चाहती थी कि क्रॉस रोड मॉल में एंड की शॉप खुले। शी लॉन्च्ड एंड अ लाइन ऑफ कंटेम्पररी वेस्टर्न वेयर फॉर वुमेन। स्टोर लेने के लिए भी अनीता वेंट क्रॉस रोड्स एंड रिक्वेस्टेड पीपल टू गिव हर सम स्पेस फॉर हर स्टोर, बट दे वुडंट अग्री। वही पुराने बहाने, इट वाजंट अ नोन नेम और इनफैक्ट फॉरेन ब्रांड। लेकिन अनीता ने हार नहीं मानी। काफी कन्विंसिंग के बाद दे अग्रीड टू गिव हर अ टाइनी 300 स्क्वायर फीट स्टोर ऑपोजिट स्वारोवस्की। In that first year, Ant gave Crossroads the highest per square feet sales than any other store in that mall. Aaj kareeban 20 saal baad, Ant is one of the 5 brands under House of Anita Dongre, a 800 crore plus company in sales figure. The others are Global Desi, Anita Dongre Bridal Couture and Pret, including menswear. Pink City, Handcrafted Jadayu Jewelry and Grassroot by Anita Dongre. Anita Dongre की अगर popularity जाननी है आपको, तो बस एक बार Google search करिए। Media reports की माने, तो Anita Dongre was the 7th most searched designer on Google in 2016. सिर्फ 2016 ही नहीं, even today she is one of the top searched fashion designers on every search engine. बात Bollywood की ही नहीं है। Politicians across the globe, leaders across the globe and the princesses love Anita Dongre. Britain ke Prince William aur unki wife Kate Middleton ke India visit mein Duchess of Cambridge wore a floral tunic by Dongre. Apne India visit ke dauran Canadian Prime Minister's wife Sophie Trudeau wore an Anita Dongre yellow chanderi suit for her visit to the Sabarmati Ashram in Ahmedabad. हिलरी क्लिंटन भी अनीता डोंगरे के डिजाइंस किए हुए क्लोथ्स पहन चुकी हैं। और सम ऑफ द ग्लोबल पर्सनालिटीज लाइक इवांका ट्रंप, प्रियंका चोपड़ा जोनस, बियॉन्से भी इसी लिस्ट का हिस्सा हैं।
अपनी ग्लोबल पॉपुलैरिटी से अनीता डोंगरे ने अपने टाइटल को प्रूव कर दिया है दैट शी इज द स्विट्जरलैंड ऑफ द फैशन वर्ल्ड। चलिए अब जानते हैं कि अनीता के इस सक्सेस मंत्र जिसकी वजह से उन्हें वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर्स माना जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। फाइंडिंग द गैप्स। अनीता का हर बिजनेस स्टेप, हर जर्नी सब कुछ मेजर्ड रहा है। शी अलोंग विद हर सिस्टर मीना सेहरा एंड ब्रदर मुकेश सवलानी फाउंडेड द हाउस ऑफ अनीता डोंगरे प्रीवियसली नोन एज एंड डिजाइंस इंडिया लिमिटेड and subsequently with the launch of each brand addressed a certain vacuum within the Indian fashion industry and ka target tha wo young Indian women jo ki western outfits ke saath experiment karna chahti thi during a period when options were limited to international brands 10 saalon baad with global desi she offered a contemporary fusion of ethnic and western wear साल 2013 में अनीता ने एक और गैप ढूंढा और उसको फिल किया विद हर विजन Her 2013 bridal line dismantled traditions. लहंगास को हल्का बनाए ताकि पहनना आसान हो और मोमेंट एंजॉय करना भी साथ में added pockets to the design. अनीता ने हमेशा सिर्फ एक ही मार्केट सेगमेंट पर फोकस किया Indian women, not the one that are comfortable purchasing from the international brands because of the pocket and because of the style. उनका मकसद था to understand the different consumers that exist in the large sandwich of the Indian retail scenario. और उन्हीं customers की need को समझते हुए business आगे लेकर जाना at various levels. और ये सिर्फ fashion design पर ही concentrated नहीं था. एक time था जब fashion सुनते ही लोगों के bills बढ़ने लगते थे. But Anita wanted democratic pricing for her brands and also focused creating trendy wearable clothing that would fit the mass retail sector. Ek aur gap tha jisko fill karne ki Anita ne koshish ki. That is to bridge the huge gap that exists of bringing the work of weavers and artisans to the customers. True to tradition. आर्टिसंस और वीवर्स से लेकर कस्टमर तक फैशन की कॉस्ट बदल जाती है वो ये बात अनीता को अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में बहुत परेशान करती थी इसीलिए अनीता ने 2015 में स्टार्ट किया ग्रासरूट हर सस्टेनेबल लग्जरी प्रेट ए पोर्टर ब्रांड विद इट शी पुट हरसेल्फ फर्मली बिहाइंड रिवाइविंग आर्टिसनल क्राफ्ट्स एंड ऑफर्ड लाइवलीहुड ऑफ क्राफ्ट्स ज्यादातर फोकस है आरी सोई एंड भरतकाम एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स पर और इसके लिए उनका ब्रांड काम करता है 600 से ज्यादा आर्टिसंस के साथ थ्रू अहमदाबाद बेस्ड सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन सेवा वन ऑफ द न्यूमरस एनजीओस शी कोलैबोरेट्स विद इस एसोसिएशन की वजह से महिलाओं को एक स्टडी इनकम सोर्स मिला है और अनीता को गुडविल मिली है फ्रॉम वेरियस विमेन एसोसिएटेड विद द एनजीओ उतना ही नहीं She is known for her work that empowers women, jiski wajah se she has earned word of praise from many. Interesting ye bhi hai ki her garment jo ki grassroots ke label mein aata hai is created around the unique motifs and stitches that the craftswomen's traditional embroidery style offers. Anita Dongre ka base fashion hai aur wo apne har maqsad mein fashion ke sath honest rehna chahti hain. और इसी की वजह से शी इज क्लियर दैट हर डिजाइन मस्ट कैरी अ सेंस ऑफ शेयर्ड ऑथरशिप विदाउट द लेबल सबमिसिंग द आर्टिसन स्टाइल्स वो खुद को और अपनी टीम को हर बार चैलेंज करती हैं विद द लोकल आर्ट दैट कम्स अक्रॉस एंड आस्क्स हरसेल्फ हाउ कैन दे क्रिएट अ डिजाइन टू इनकॉर्पोरेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे स्टे ट्रू टू देयर क्राफ्ट द डिजाइन एंड मार्केट सेंसिबिलिटी आर ब्रॉट इन बाय द डिजाइनर लोकल कनेक्ट फैशन की दुनिया और कस्टमर्स के बीच का गैप हो या फिर हिंदुस्तानी कला को बड़ा स्टेज देने की कोशिश अनीता डोंगरे और उनकी टीम के ये कोर वैल्यूज उनके हर कदम में झलकते हैं वो लोकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए गांव-गांव घूमती हैं और लोगों से मिलती हैं चाहे वो जयपुर का कोई सीलिंग पेंटर ही क्यों ना हो रिपोर्ट्स बताते हैं कि अनीता ने लेखराज नाम के एक पेंटर के साथ कोलैबोरेट किया था फॉर अ लिमिटेड एडिशन हैंड पेंटेड कलेक्शन वजह थी वो सीलिंग पेंटिंग जिसे देखकर वो मेस्मराइज्ड हो गई इनफैक्ट हर 2 लाख में फैशन वीक कलेक्शंस फोकस्ड ऑन हर ट्विन पैशंस रिवाइविंग इंडियन टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट एंड सस्टेनेबिलिटी
अनीता ये मानती हैं कि जहाँ तक फैशन की बात है तो नो वुमेन विल वेयर समथिंग अनलेस शी लाइक्स इट। द सॉल्यूशन लाइज इन क्रिएटिंग गारमेंट्स दैट आर ब्यूटीफुल, फेमिनाइन, सस्टेनेबल एंड मेनस्ट्रीम। ग्रीन थिंकिंग। जनरली फैशन इंडस्ट्री पोल्यूशन कॉज करने के लिए बदनाम है, बट टू ब्रिंग अ चेंज इन दैट माइंडसेट, अनीता डोंगरेज फैशन हाउस बिकेम अ मेंबर ऑफ द सस्टेनेबल अपैरल कोलिएशन, अ ग्लोबल अलायंस फॉर टेक्सटाइल अपैरल एंड फुटवेयर इंडस्ट्रीज टू प्रमोट सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रोसेसेस। सिर्फ इतना ही नहीं, शी हैज बीन बिल्डिंग अ ग्रीनर लाइफस्टाइल फॉर इयर्स। 2015 में कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर्स को मूव किया टू नवी मुंबई। From moving the factory to eating sustainability to growing her own vegetables organically. It's a whole lifestyle shift that happened over the last decades. Anita ki company offer karti hai vegetarian meals to the employees aur wo ye manti hain ki sustainability is something that everyone has to today make their mantra. Women empowerment. सिर्फ लोकल आर्टिसंस को बढ़ावा देना ही अनीता डोंगरे का टारगेट नहीं था। शी बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ फैशन, आर्ट एंड ह्यूमैनिटी। अनीता विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ करती हैं। थ्रू हर कंपनीज नॉन प्रॉफिट आर्म द अनीता डोंगरे फाउंडेशन, शी इज सेटिंग अप ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर्स इन महाराष्ट्र टू अपस्किल विलेज वुमेन ओवर 220 अक्रॉस 4 यूनिट्स इन चारोटी, जवाहर, धानीवारी एंड मोदगांव ऑफ पालघर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन ट्रेन्ड इन वेरियस टेक्निक्स ऑफ गारमेंट कंस्ट्रक्शन एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल देसी। अनीता के ब्रांड प्रमोशन में हमेशा इम्पोर्टेंस दी गई है वैल्यूज को, अ कंटेम्प्रेरी हैंडक्राफ्टेड एस्थेटिक एंड चैंपियनिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन वैल्यूज। और यही वजह है दैट शी इज बिकमिंग सिनोनिमस विद मॉडर्न इंडियन चिक। Whether it's designing and styling Kate Middleton, Hillary Clinton and Sophie Trudeau for their official visits to the country, starting flagship stores abroad or speaking at the World Economic Forum, उन्हें internationally notice किया जाता है। वजह है सिर्फ वही उनकी basic principles, her sustainability conversations, her commitment to the cause, the offering of livelihoods, it's all constant. That's good branding. पहले के जमाने में अगर कोई फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस खोलता था तो कैलकुलेशंस के लिए किसी और को हायर करते, बट अनीता न्यू उन्हें अगर सक्सेस पानी है तो घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा। शी चोज टू वर्क ऑन द ईच स्फीयर ऑफ द एंटरप्राइज टू गेन द मैसिव सक्सेस शी वांटेड टू अचीव। ऑफ कोर्स उनका फोर्टे था फैशन डिजाइनिंग, बट दैट डिडंट ब्लॉक हर टू लर्न फाइनेंस एट एनी पॉइंट। एक मेजर वजह कि आज भी इंडिया के डिजाइनर्स haven't been able to scale up is because they lack a CEO or business head who can manage their creativity and make it commercially viable. But Anita did it all, and so can you. Knowing your numbers is essential, aur isiliye Indian Design League ki is high performance influencer series mein we have got you covered. Know your numbers and know your finances. इसके लिए एक पूरा मॉड्यूल हमने डेडिकेट किया है, उसे देखना ना भूले एंड डू राइट टू अस व्हाट यू थिंक ऑफ इट। अब जरा बात करते हैं टास्क की। तो आपको सिर्फ इतनी रिसर्च करनी है और हमें बताना है कि और कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने लोकल आर्टिसंस को मौका दिया है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आने का और अपनी कला का जादू बिखेरने का। इससे आपको मौका मिलेगा उनकी भी जर्नी को समझने का। Well, we are pretty sure at यानी अनीता डोंगरे और उनके various sub brands की case study ने आपको inspire किया होगा to do it all. Remember, take one step at a time, but stick to your philosophy, and we are sure आप बनेंगे the entrepreneurs of your dreams. With that thought, ऐसे और भी interesting case studies आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें analysis होगा, research होगी, and best बहुत सारी learnings, वो भी एक creative अंदाज में. So remember to subscribe to our channel. Click on the subscribe button and click on the bell icon so that you don't miss any update on our channel. Milte hain agle session mein aise hi inspiring business story ke saath. Now that you know that Anita Dongre is one of the most searched fashion designers in the world,
इसी के साथ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट बैक ऑन क्रिएटिंग योर लेगेसी। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे एक और ऐसे ही मार्केट लीडर के साथ, जिससे आप जरूर बहुत कुछ सीखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद IDL एंड हाई परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम टू नो मोर, लर्न मोर एंड गेन मोर एंड अचीव पीस ऑफ माइंड, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अ करियर फॉर लाइफ फ्रॉम सच डिटेल्ड केस स्टडीज।